क्या करूं मैं, कैसे इसको समझाऊं मैं। जब भी आता मुझे मिलने, मेरी एक बात नहीं सुनता, सारी बातें अपनी मनवा के जाता है। शादी का कहती हूँ तो कहता है करता हूँ। मैं बहुत परेशान हो गई हूँ। अब तो घर वाले भी पूछने लग गए हैं कि कोई पसंद है हमें बता अपने, नहीं तो हम तेरी शादी कर लें कहीं और। अच्छा आज ये आ तो रहा है मुझसे मिलने, कह तो रहा है कि थोड़ी देर तक आता हूँ, आज इससे मैं कहती हूँ। शुक्र आ तो गए, आज मैं इससे बात करती हूँ। आ गए आप? जी जनाब मैं आ गया। मैं काफ़ी देर से आपका इंतज़ार कर रही थी। बैठे बैठ गए। जी जनाब मैं काफ़ी देर से आपका इंतज़ार कर रही थी। अच्छा लग तो नहीं रहा कि आप मेरा इंतज़ार कर रही थी। नहीं नहीं मैं आपका इंतज़ार कर रही थी, मुझे ना वैसे आज आपसे कोई बात करनी है। क्या बात करनी है? आप जब भी आते हो ना, आप मेरी बात कोई भी नहीं सुनते, मैं आपसे कहती रहती हूँ, आप बस जो है ना अपनी सुना के चले जाते हो, मगर आज आपको मेरी बात सुननी पड़ेगी। जी सुनाए जनाब, मैं तो आपकी ही बातें सुनता हूँ। मेरी आप बात कहाँ सुनते हो, अगर मेरी बात सुनते तो आप मेरी मानो ना मेरी। आप पता क्या बात, आज अम्मी अबू ने ना मुझसे बात की है, वो कहीं गए हुए हैं ना, तो वो कह रहे थे कि अगर तेरी कोई पसंद है तो हमें बता, नहीं तो हम तेरी शादी करें। अच्छा तो मैंने अभी उनको कोई जवाब नहीं दिया, मैंने कहा पहले मैं आपसे बात कर लूँ फिर उनको जवाब दूँगी। मैं आपको पसंद करता हूँ, आप ही से शादी करूँगा। तो आप मेरे अम्मी अबू से मिले ना, उनसे बात करें। आप देखें अब कितना तुम्हें साल 1.5 साल हो गया हमें ऐसे मिलते मिलते, कब तक हम मिलेंगे? हम कुछ रिश्तेदार हैं, कोई यार थोड़ी हैं कि आप जो है ना डर रहे हैं। किस बात का डर है आपको? आप परेशान मत हो, ठीक है ना, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप बस कुछ दिन ठहर जाएं, अभी अम्मी अबू से बात नहीं करनी, ठीक है ना, सिर्फ 2 मंथ ठहर जाए। दो मंथ अभी भी? 2 मंथ ठहर जाए ना, सुनो ना, 1 महीने कारोबार न्यू स्टार्ट किया, ठीक है ना। पहले पता था ना आपको कि बेरोज़गार था, अभी अभी मैंने काम स्टार्ट किया, तो इंशाल्लाह ताला वो काम में जैसे कोई बढ़ाव आएगा ना, तो फिर फ़र्ज़ करो अभी आप बताते हो अम्मी अबू को कि मैं फलां शख्स को पसंद करती हूँ, तो वो पूछेंगे नहीं कि वो करता क्या है, क्या कारोबार? वो आपको जानते नहीं है, रिश्तेदार हैं, आप क्यों ये कारोबार लेके बैठ गए? मेरे कज़न हो वो। तो आपकी बात ठीक है, मैं कज़न हूँ आपका, लेकिन उनको पता होना चाहिए ना कि मैं काम कर रहा हूँ। अभी सबको पता है घर में, आपके अबू को भी पता है, सबको पता है कि मेरे पास कोई काम वगैरह नहीं है। जब शो हो जाएगा तो वो फौरी इनकार कर देंगे। मैं चाहता हूँ कि सिस्टम कुछ ऐसा हो कि किसी सूरत में वो ना करने का सवाल ही पैदा ना हो। यही बात है ना, और तो कोई बात नहीं, और कोई बात नहीं। देखो देख लीजिए, मेरा दिल ऐसे जो है ना परेशान रहता है कि पता नहीं कोई और बात। मेरी जान आप परेशान मत हो, घबराएं मत, ऐसा कुछ भी नहीं है, बस मुझसे प्यार भरी बातें करें, मुझसे प्यार करें, चल कुछ कर लेते हैं। और तो आपकी मैं हर बात मानती हूँ, आप ही तो मेरी नहीं मानती। बस टेंशन ना ले, कुछ नहीं हो परेशान। चलो ठीक है अब मैं चलता हूँ, अपना ख्याल रखना। मैं तो अपना ख्याल रखूँगी, आप भी ख्याल रखें ना, जो आपने मुझसे वादा किया है। टेंशन ना, ठीक है? ठीक। नहीं सुनता था, हर बार अपनी मना के जाता था, मैं क्या करूं? वो हो गया जो नहीं होना चाहिए था, किसी को कुछ बता भी नहीं सकती। मैंने फ़ोन किया तो यार जल्दी आ जाए, बहुत मुश्किल है। जी जनाब
मैंने कब से आपको फ़ोन किया, अब आ रहे? मैं थोड़ा सा काम के सिलसिले में फंसा हुआ था, जैसे फ्री हुआ फौरी आपकी तरफ आया। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ और इस मसले से ना आप ही मुझे निकाल सकते हो। किस मसले से तो पता चले? मैं आपको रोकती रही, आपको समझाती रही, आपने मेरी एक ना सुनी, शादी का कहती रही, आप टाल टोल करते रहे। अपनी अब वो हो गया जो नहीं होना चाहिए था। क्या हो गया है? वो हो गया कि अगर किसी को पता चल गया ना तो मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूंगी। अब पागल, मुझे कुछ पता चलेगा क्या हुआ है, क्या मसला है, क्या टेंशन है? वो हो गया ऐसे घबरा रही हो? घबराऊं और क्या करूं, जो करके जाते रहे हो ना उसका नतीजा आ गया, बाप बनने वाले। मैं बाप बनने वाला हूँ? हेलो, बताओ मैं किस कैसे सबको बताऊं? ये कैसे हो गया? कैसे हो गया? बात सुन मेरी, मैं अपनी पूरी सेफ्टी इस्तेमाल करता रहा हूँ, तो ये फिर कैसे हो गया? आपके कहने का मतलब क्या है कि ये कैसे हो गया? आप इतने अरसे से मुझसे मिलने आ रहे हो, नहीं सुनी खुदा ने, अगर आप ये हो गया तो आप कह रहे हो कि ये कैसे हो गया? बात सुन मेरी, ज़्यादा ही बातें करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना? ये बच्चा मेरा नहीं है, ठीक है ना? मैं अपनी पूरी सेफ्टी इस्तेमाल करता रहा हूँ, ठीक है? और ये बच्चा जिसका है ना, ये उसी को बता। मुझे ज़्यादा इस मामले में फंसाने की कोशिश मत करना, नहीं तो मुझसे बहुत बुरा, मुझ जैसा अच्छा इंसान भी कोई नहीं है और मुझ जैसा बुरा इंसान भी कोई नहीं। मुझ पे इतना बड़ा इल्ज़ाम ना लगाओ। इल्ज़ाम नहीं लगा रहा मैं, जो हकीकत है वो बता रहा हूँ। मैंने आपके अलावा कभी किसी से प्यार ही नहीं किया। जो लड़की मेरे साथ सब कुछ कर सकती है शादी से पहले, वो किसी और के साथ नहीं कर सकती। ये झूठ है। मुझ पर इल्ज़ाम लगाने से पहले 100 मरतबा सोच लेती, ठीक है? मैंने इल्ज़ाम नहीं लगाया, जो सच है वही बताया। ऐसा कुछ भी सच नहीं है, मैं अपनी पूरी सेफ्टी इस्तेमाल करता हूँ, चला अपना काम कर। इतना बड़ा इल्ज़ाम मुझ पे लगा के चला गया, बच्चा ही मेरा नहीं है। और मैं पागल इसके प्यार में सब कुछ निशावर कर दिया, अपनी इज्जत, अपने माँ बाप की इज्जत, कुछ नहीं देखा। या अल्लाह मैं क्या करूँ, उससे बहुत बड़ी गलती होगी, मैं अपनी भी गुनाहगार हूँ, अपने माँ बाप की भी। मैंने अपनी इज्जत तो गवा दी, साथ अपने माँ बाप की भी। अब किसको क्या मुंह दिखाऊंगी मैं, किसको क्या बताऊं मैं? ये क्या कह के चला गया।